हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गोल लाइन। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करा था और पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करी थी और आपने कहा था कि सर आपने जो है अपना फाई का अकाउंट अनब्लॉक या फिर अनफ्रीज करवा लिया है, लेकिन हम अपने अकाउंट को यानी कि फाई के अकाउंट को कैसे अनफ्रीज या फिर अनब्लॉक करवाएं। देखिए, आप अपने हिसाब से एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बताने की कोशिश करें, जबकि मेरा अकाउंट जो है करीबन 2 से 3 महीना हो चुका है और अभी तक फाई वालों ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, यानी कि अनब्लॉक होने का कोई भी अभी तक रिस्पांस या फिर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपने अपने अकाउंट को कैसे अनब्लॉक करवाया। तो गाइस, वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस ली है आप तक सही से शेयर कर सकूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो एक्सपीरियंस रही या फिर मेरे अकाउंट के साथ क्या कुछ हुआ था, आपको तो सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। सबके केस अलग अलग हो सकते हैं, इसमें थोड़ा वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बताने वाला हूँ वो आपके ऊपर भी परफेक्ट आए। देखिए गाइस, जानकारी के लिए एक और बात आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले की तुलना में अगर हम अभी की बात करें यानी कि करंट सिचुएशन की बात करें, तो गाइस बहुत सारे ऐसे अकाउंट अभी भी इन्होंने फ्रीज या फिर ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा कस्टमर इसके नहीं थे, इस वजह से कम मात्रा में जो है ये अकाउंट को ब्लॉक या फ्रीज कर रहे थे। लेकिन अभी जो है बहुत सारे लोगों ने जो है डे बाय डे बहुत सारे अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे अकाउंट होने की वजह से फाई ये समझ नहीं पाती है और सही से हैंडल नहीं कर पाती है कि इतने सारे कस्टमर जो है फेक या फिर ऐसे अकाउंट ओपन कर रहे हैं जबकि वो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा अकाउंट खुलने की वजह से ये लोग हैंडल सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके अकाउंट को अनब्लॉक या फिर अनफ्रीज होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले गाइस चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर बार आपके ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शेयर करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मैंने अपने अकाउंट को कैसे लिया है और आप भी अपने अकाउंट को कैसे अनब्लॉक करवा सकते हो। तो गाइस, अगर हम बात करें अपने अकाउंट की एक्सपीरियंस की, तो गाइस मैंने कोई भी गलती नहीं करी है, लेकिन फिर भी फाई वालों ने जो है मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिए थे। हो सकता है कि इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए वो लोग ये चेक कर रहे थे कि आपके अकाउंट में कोई गलत ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रहे या फिर नहीं हो रहे, यानी कि कुछ ऐसे भी अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया गया है जहाँ पे उनको लगा है कि कुछ ना कुछ जो है इसके ऊपर डाउट है, तो वही अकाउंट जो है ये लोग फ्रीज कर दिए हैं या फिर ब्लॉक कर दिए हैं। तो मेरे अकाउंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन लोगों को सही से समझ में नहीं आ रहा था कि ये परफेक्ट है या फिर नहीं है, इस वजह से उन लोगों ने मेरा अकाउंट को फ्रीज या फिर ब्लॉक करके रखा हुआ था इतना दिन। लेकिन देखिए, अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी वालों की बात करूँ, यानी कि मान के चलिए आप एक स्टूडेंट हो और आपने जो है इसके अकाउंट को ओपन कर लिया है, ठीक है, बाय मिस्टेक ही मान के चलो, या फिर आप जानबूझ के भी अपने अकाउंट को ओपन कर लिया है। इस केस में क्या होता है कि फाई बैंक जो है इसके लिए ज़्यादा समय लेती है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है फ्रॉड भी कर रहे हैं, इस वजह से उनका अकाउंट अभी तक अनब्लॉक या फिर अनफ्रीज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस स्टूडेंट वालों की, क्या उनका अकाउंट अनफ्रीज होगा या फिर नहीं होगा। तो गाइस, जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कोई भी बैंक ऐसा नहीं करेगी, ठीक है, भले ही इसके लिए वो लोग थोड़ा ज़्यादा का समय ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके अकाउंट को वापस कर ही देते हैं। अगर 1 रुपया भी अगर आपके पास अकाउंट में बैलेंस है तो वो लोग जो है आपके अकाउंट को 1 रुपया जब तक आप विड्रॉ नहीं कर लेते हो तब तक जो है आपका अकाउंट चालू ही रहेगा, मान के चलिए ब्लॉक ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि अगर 1 रुपया भी आपके अकाउंट में रहा तो वो लोग जरूर वापस कर सकते हैं, क्योंकि RBI के गाइडलाइन के हिसाब से ये बिल्कुल भी मैच नहीं होता है और कोई भी बैंक ऐसा नहीं कर सकती है। अगर आपके पास 1 रुपया भी है तो वो लोग रिटर्न बैक जरूर देंगे। अभी क्या हो रहा है कि करंट सिचुएशन की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट ओपन हो चुके हैं और सही से वो लोग हैंडल नहीं कर पाए हैं, जैसा कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ही वो लोग जो है सही से समझते हैं और उसको जो है अर्जेंट बेस पे वो लोग उस अकाउंट को आगे फॉरवर्ड करते हैं और चाहते हैं कि उसके अकाउंट को सबसे पहले या फिर सबसे आगे उसके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए और सही से वेरीफाई किया जाए कि ये बंदा या फिर ये बंदी सही है या फिर नहीं है अपने जगह। अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके अकाउंट को बहुत ही जल्द अनफ्रीज या फिर अनब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट की बात करूँ तो गैस, अगर आपने जो है उस मेल का जवाब, जब आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है उसके बाद फाई एक आपको मेल करती है कि आपका अकाउंट जो है हम लोग टेम्पररी ब्लॉक या फिर फ्रीज कर दिए हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको कुछ सवाल जवाब पूछते हैं जिसमें आपको जो है कुछ आंसर्स देने होते हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड। बात यहाँ पे आती है कि वो लोग जो है मेल का रिप्लाई सही से दे नहीं पाते हैं, यानी कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि अपने मेल को चेक करते हैं। करना क्या है गाइस कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत डिटेल वगैरह डाली है, तो आपको बराबर अपने अकाउंट की मेल यानी कि रजिस्टर्ड मेल आईडी को चेक करते रहना है और देखते रहना है कि आपका अकाउंट फ्रीज या फिर
ब्लॉक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर मान के चलिए हो गया है तो इंस्टेंट जैसे ही आपके मेल आईडी पे एक मेल आता है ब्लॉक से रिलेटेड, तो आपको उसी टाइम आपको सारे आंसर्स दे देने होते हैं। जैसे ही आप उस मेल का जवाब तुरंत ही देते हैं यानी इंस्टेंट देते हैं, तो वो लोग जो है इसके पीछे जल्दी कार्रवाई करते हैं। लेकिन वही मेल का जवाब अगर आप 4-5 दिन बाद या फिर 10-15 दिन बाद अगर आप देते हो, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इस अकाउंट के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी है, इसलिए वो जो है उस अकाउंट को ना देखकर किसी और अकाउंट को सही से वेरीफाई करने में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप जितना जल्दी हो सके उस मेल का जवाब दे दें, तो अगर आप सही टाइम पर दे देते हो तो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द हो जाएगी। तो इसमें बहुत कम समय लगेगा कि आपका अकाउंट अनब्लॉक होने में। आपको 2-3 बातें जो है ध्यान में रखनी है अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट भी बहुत ही जल्द अनफ्रीज या फिर अनब्लॉक हो जाए। तो सबसे पहला बात ये कि अगर वो लोग ब्लॉक करते हैं तो आपको सबसे पहले उस ब्लॉक वाले मेल का रिप्लाई तुरंत देना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर उससे भी वो लोग नहीं सुनते हैं तो गाइस आपको बराबर यानी कि 1 दिन में 4-5 बार कॉल करना है और उनको बताना है कि सर मेरे अकाउंट में जो बैलेंस पड़े हुए बहुत ही काम के हैं, यानी कि मैं बहुत ही मुश्किल से इस पैसे को इकट्ठा करा हूं और सही से अपने अकाउंट में जमा करके रखा था, लेकिन आपने जो है मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। देखिए, कोई भी कस्टमर नहीं चाहे कि उसका अकाउंट ज़्यादा दिन तक फ्रीज करके रखे हुए। ठीक है, तो फाइकेयर भी इसके पीछे जो है वर्क कर रही है कि जितना जल्दी हो सके कर ले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि ये कि आपको उस मेल का जवाब तुरंत ही दे देना है, ऐसा नहीं कि 10-15 दिन बाद आप दे रहे हो। दूसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है कि आपको जो है बराबर 1 दिन में 4-5 बार कॉल करना है और उनको बताते रहना है कि सर मेरा अकाउंट प्लीज़ जितना जल्दी हो सके जो है आप मेरे अकाउंट को अनब्लॉक या फिर अनफ्रीज कर दें ताकि हम अपने अकाउंट के पैसे को सही से विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जितना हो सकेगा आपको जो है कोशिश करते रहना है और उनको कॉल बैक करते रहना है, या फिर चैट का माध्यम तो आपका जो है बंद हो जाता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, वो है सिर्फ और सिर्फ कॉल करने का और या फिर मेल करने का। तो मेल का जवाब वो लोग जो है बहुत लेट से करते हैं। ठीक है, मैंने आज तक जितना भी मेल किया उसका आज तक कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। तो कोशिश करिए कि आपको जो है दिन में 4-5 बार कॉल करते रहना है और अपने अकाउंट के पीछे जितना ज़्यादा हो सकेगा इंक्वायरी करना है और जानकारी लेते रहना है कि कितना जल्दी मेरे अकाउंट को अनफ्रीज आप कर देंगे। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे उतना ज़्यादा वो लोग भी कोशिश करेंगे और उसके पीछे वो लोग भी वर्क करेंगे और उतना जल्दी जो है आपका अकाउंट बैक आ सकता है और अपने अकाउंट के बैलेंस को आप सही से यूज कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे भी अकाउंट खुले हैं फाई के ऊपर जो लोग जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, इसलिए जो है फाई वालों ने ये इनिशिएट लिया है ताकि वो अपने कस्टमर को सही से समझ पाएँ और कस्टमर सही है या फिर नहीं है वो सही से जान सके। इसलिए जो है इसके पीछे थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, मैं पहले ये भी सोच रहा था कि ये लोग जो है मेरे अकाउंट के पैसे देंगे या फिर नहीं देंगे। खैर, मेरे अभी FD के अमाउंट तो इन लोग वापस नहीं करें इसलिए मैं इतना परफेक्ट नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है उस हिसाब से मैंने जो है रिजल्ट पाया। ठीक है, आप भी अपने तरफ से जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना जल्दी जो है आपके अकाउंट को अनब्लॉक या फिर अनफ्रीज ये कर देंगे मजबूरन। इसके अलावा जो मैंने तीसरा स्टेप अपनाया था वो ये कि मैंने सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है मैंने ये बताने की कोशिश करी कि मेरा अकाउंट जो है ये लोग बिना बेवजह मेरे अकाउंट को फ्रीज या फिर ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट को ये लोग वापस नहीं किए हैं। यहाँ तक कि मैंने ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा ट्वीट करा है और इसके अलावा यूट्यूब के बारे में तो आपको पता ही कि बहुत बार जो है मैंने इसकी गलतियाँ पकड़ी हैं और आपको जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। जहाँ तक कि गाइस मुझे पता है कि फाइकेयर की टीम मेरी कुछ ना कुछ वीडियोज़ को देखती है और समझती है कि इस कस्टमर को जो है ये प्रॉब्लम है और इस वजह से जैसा कि आपने देखा कि 45 दिन के अंदर मेरे अकाउंट को ये लोग अनफ्रीज या फिर अनब्लॉक करने में मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे अकाउंट भी देखे हैं कि जिसका अकाउंट 4-5 महीना भी हो चुका है लेकिन अभी तक उनके अकाउंट के पैसे ना ही वो यूज़ कर पा रहे हैं और ना ही उनका अकाउंट जो है अभी तक अनफ्रीज या फिर अनब्लॉक हुआ है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट क्या क्या थे कि जिस वजह से फाई की टीम जो है मजबूर हो चुकी थी मेरे अकाउंट को अनब्लॉक या फिर अनफ्रीज करने में, मैं चाहूँगा कि वो तीनों पॉइंट आपके साथ फिर से एक बार शेयर कर दूँ ताकि आप सही से समझ सको। पहला पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे कि सबसे पहले आपको जो है अगर आपके मेल आईडी पे वो लोग मेल करते हैं और कह देते हैं कि आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया गया है, तो गाइस इंस्टेंट जितना जल्दी हो सकेगा उस मेल का जवाब आप जरूर दें ताकि इसमें जल्दी वो कार्रवाई कर सके या फिर जल्दी से वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको शेयर किया था वो ये कि आपको जो है बराबर 1 दिन में 4-5 बार इनको कॉल करते रहना है और अपने अकाउंट के पीछे इनको आगे बढ़ते रहने के लिए कहते रहना है ताकि वो लोग इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर इनिशिएट लेंगे और आपके ऊपर यानी कि आपके अकाउंट के ऊपर वेरिफिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आखिरी में आपको बताया कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हो या फिर इसके ट्विटर हैंडल में जाके ट्वीट भी कर सकते हो बराबर,
एक दिन में अगर आप 3-4 भी ट्वीट करते हो या फिर इसके ट्विटर हैंडल पर बहुत ज़्यादा आप मैसेज वगैरह डालते हो तो ये लोग जितना जल्दी हो सकेगा आपके अकाउंट को अनफ्रीज या फिर अनब्लॉक करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहले जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए उसी में बहुत सारे लोगों के अकाउंट अनफ्रीज या फिर अनब्लॉक हो चुके हैं। तो गाइस आप भी जो है ये तीनों तरीके अपना सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि आप भी अपने अकाउंट को रिटर्न बैक ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, लेकिन अगर आप पुलिस कंप्लेंट भी करते हो ना गाइस तो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इसके कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करने का और उनके अपनी मजबूरी शेयर करने की कोशिश करिएगा, तभी जाके जो है ये लोग जितना जल्दी हो सके इसके पीछे इनिशिएट लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि गाइस अपनी एक्सपीरियंस आप तक सही से शेयर कर पाया हूँ। वीडियो अगर पसंद आए गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको मेरी एक्सपीरियंस क्या कुछ रही है उनको सही से जानकारी मिल सके। साथ ही साथ गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर बार आपके ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। या फिर इसके अलावा कुछ और भी सवाल हो तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपके हर एक कमेंट का जवाब या तो मैं एक वीडियो बनाकर या तो मैं उसी कमेंट का जवाब आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।